झारखंड लोकर बॉन्डीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर साहिबगंज नगर परिषद कार्यालय परिसर में संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। साहिबगंज झारखंड लोकल बॉन्डीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर साहिबगंज नगर परिषद कार्यालय परिसर में संघ के अध्यक्ष शिव कुमार हरी की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरने में महामंत्री अनूप लाल हरी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड सरकार निकाय कर्मचारियों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है। कर्मचारी सरकार से निकाय कर्मचारियों के स्थायीकरण के साथ अन्य मांगों को पूरी करने की मांग कह रहे हैं। श्री हरी ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो पूरे झारखंड में निकाय कर्मचारी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। झारखंड में हम लोग झारखंड लोकल बॉडी फेडरेशन 5 सूत्री मांगों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए। 5 सूत्री मांगों में हमारा मुख्य 3 सूत्री मांग जो सरकार से हम अपेक्षा करते कि हमको पूरा करे, पहला जो वर्षों से कार्यरत डेली वेजेज जिसको रेगुलर करना है, तीसरा 70% सरकार जो अलॉटमेंट वेतन मद में देती थी स्थापना मद में वो भी ख़त्म कर दी, वो हमको देना है और जो सेवानिवृत्त हो रही कर्मचारी वो भी सर यहाँ से कहा जाता है कि यही से आपको पेंशन और ग्रेचुटी दिया जाएगा। यही सब मांग मुद्दा के लेकर हम लोग जो है धरना बैठे हैं। अगर सरकार हम लोग का अलॉटमेंट या डेली वेजेस को रेगुलर नहीं करे, आने वाला दिन हम लोग कभी भी बड़े आंदोलन के लिए हम लोग झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन महासंघ के आह्वान पर हम साहेबगंज नगर परिषद कर्मचारी संघ पूरे कर्मचारी के साथ आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि सरकार जो है कई बार हमारे महासंघ से वादा करके लिखित समझौता करके भी हम लोग कर्मियों को आज तक नियमित नहीं किया है, जो कि हम लोग कर्मचारी को काफ़ी दुख है। यहाँ पर नगर परिषद में ज़्यादातर आदिवासी और दलित ही कर्मचारी है और हम लोग भूखों मरने की स्थिति में हैं और हम ये सरकार से आशा ही नहीं विश्वास भी रखते हैं कि इस बार गरीबों की सरकार आदिवासी की सरकार है, हम लोग का इस बार नियमित होगा।